नुसरत जी को सबसे पहले मैंने जब सुना था तब एकदम कनेक्ट हो गई थी, बड़ी ही प्योर आवाज़। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि उनके गीत, उनका संगीत एकदम से ऑडियंस और मासेस के साथ घुल जाता है जैसे पानी में शक्कर। उनकी एक और ख़ास बात, उनकी सिंप्लिसिटी। मुझे उनका पोइट्री सिलेक्शन बहुत पसंद है और एज ए कंपोज़र तो बहुत ही कमाल पर्सनैलिटी थे, कमाल। मतलब एक एक सॉन्ग उठा करके देख लें तो उसमें मतलब पीछे जो एक राग चल रहा होता है, जो एक वो एक अलग ही कमाल ही बात थी जिसको मुझे लगता है मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे एक वाक्या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे एक दोस्त लंदन में रहते हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए और उनके जहन में था कि इतना बड़ा नाम है तो बड़े नखरे होंगे, टेंड्रम्स होंगे। फर्स्ट टाइम जा रहे थे शायद वो, लेकिन जब वो उनसे मिलने के लिए पहुँचे, ऑन टाइम आ गए, वो रूम से बाहर आए और सिंपल कुर्ते पजामे में आके बैठ गए, इधर उधर की गपशप करने लगे। तो वो बाद में मुझे बता रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मिल रहा हूँ। इतना सिंपल उनकी पर्सनैलिटी, और मुझे लगता है कि जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं वो एक ये जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बहुत हम्बल होते हैं। शायद इसीलिए वो हर आम फहम सबसे वो कनेक्ट हो जाते हैं, सबसे जुड़ जाते हैं। तो आज उनका ही एक गीत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। हर दम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। दर्दां दी मारी रो रो के हारी, ताणा तेरियां वे मैनू मारियां प्यारिया। अखियां नू चैन ना वे सजना घर आ जा। तेरी याद सताउंदी है राती नींद ना आउंदी है, दूरी बहुत रुआउंदी है कल्ली जिंद पुर ल्याउंदी है। तेरी याद सताउंदी है राती नींद ना आउंदी है, दूरी बहुत रुआउंदी है कल्ली जिंद पुर ल्याउंदी है। किसे नाल इंज नहीं करीदा सजना वे रब कोलो डरीदा। करा तैनू याद वे सुन फरियाद वे अखियां नू फिर एक बारिया। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। हर दम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। दर्दां दी मारी रो रो के हारी, ताणा तेरियां वे मैनू मारियां प्यारियां। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा।